हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, उनमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ट्रैकमैन की जॉब ही मिलनी है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर, मेरा दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, क्या मैं इस नौकरी को ट्रेनिंग में छोड़ सकता हूँ, है ना? क्या मुझे पैसे भरने पड़ेंगे एक दो साल में छोड़ने के बाद, या मैं दूसरी जॉब लग जाएगी तो इसको छोड़कर जा सकता हूँ? तो ग्रुप डी में किसी भी प्रकार का पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। ये लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और NTPC की जो वैकेंसी होती है उनमें 5 साल का बॉन्ड भरवाते हैं। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप जिस चाहे मर्जी जब चाहो तब छोड़ सकते हो, ठीक है? अब डिपेंड करता है आपको करनी है या नहीं करनी है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, जो मेरा 7-8 सालों का अनुभव रहा है उसके बेस पर मैं आपको बातें बताऊंगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें होने वाली हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल सिंह राजपूत। आई हेल फ्रॉम सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 8 ईयर्स एंड आई टीच मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंडियन रीजनिंग एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन द इंडियन रेलवे। रेलवे में जॉब करने से पहले मेरा 7-8 सालों का पढ़ाने का अनुभव भी रहा है, तो उस दौरान मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो ध्यान से देखो, एक बच्चे ने ये भी मुझसे पूछा था कि सर, आपका जब मतलब आप सेकंड अर्निंग क्या करते हो? तो अभी तो फिलहाल मैं जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा खुद का था और मैंने एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है। अच्छा खासा मैंने पैसा कमाया है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1+5, 15 सितंबर 2017 को मैंने ख़रीदा था, 32,999 का, और उसको 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मेरी ईमानदारी की कमाई थी, 1-1 रुपये मैंने ईमानदारी से कमाया था। तो फ़ोन ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ से चले गए, लेकिन फ़ोन आज भी मेरे साथ है, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल ईमानदारी से लाइफ में कमाया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है मेरी लाइफ में, है ना? तो अब ध्यान से देखो, अगर आप कोई भी प्राइवेट काम करने वाले हो, मान लो कि कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैकमैन की जॉब अच्छी नहीं है, मुझे ट्रैकमैन की नौकरी नहीं करनी, तो बस उनको मैं इतना बता दूं कि सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपकी एक फ़िक्स इनकम है। हर महीने किसी एक किसान से जाकर पूछिए, किसी मजदूर से जाकर पूछिए, या कोई जो छोटा मोटा बिजनेस करता है उससे पूछिए कितने उतार चढ़ाव आते हैं। अगर ग्राहक एक साथ 10 भी आ गए तो पता चला 5 घंटे एक ग्राहक भी ना आए, है ना? तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अभी बारिश भी हो गई तो किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। तो आपको एक फ़िक्स इनकम होगी, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 7-8 साल मैंने खूब दबाकर पैसा कमाया। कोरोना के बाद जब मेरा कोचिंग में थोड़ा डाउनफॉल आया, थोड़ा सा कोचिंग सेंटर कम चलना शुरू हुआ, तो लोग मुझसे ऐसा बोलने लगे कि इसको बाहर कमाने के लिए जाना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है भैया, मेरी नौकरी लग गई, मैं तब भी पढ़ाता रहा, कोरोना के बाद भी मैं पढ़ाता रहा, मेरी नौकरी लगी। तो नौकरी लगने के बाद अब लोग बोलते हैं इसको ये नौकरी मिली है, तो भाई कितने लोगों का मुँह बंद करोगे? मुझे इतना पता है कि मैं अपने कर्मों से, और मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों की मदद के लिए मेरा ये YouTube चैनल बना है, और मेरा मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ करूँ। जब मैंने YouTube चैनल बनाया था तब भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कहते थे कि इनका YouTube चैनल नहीं चलेगा, ठीक है? अभी भी बहुत बड़ा YouTube चैनल नहीं है, लेकिन मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो मकसद है वो मैं करूँगा, मुझे पैसा मिले अदरवाइज ना मिले। जो मेरा मकसद है, जिस लिए मैं बना हूँ, वो मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो लोगों के बहकावे में मत आओ। हाँ, थोड़ी सी मेहनत वाली जॉब है, कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आप इतने कमज़ोर मत बनो। एक प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के से पूछो, है ना, वो कितना परेशान रहता है, कितना प्रेशराइज होता है उसके साहब, जॉब वाले कितने लोग प्रेशर डालते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं देगा, काम करो, उसके बाद आप फ्री हो ना। मुझे कोई फ़ोन कॉल आता है रेलवे के अधिकारी का, और जो अपनी पोस्ट का घमंड बताते हैं, मेरे खुद जो अधिकारी हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सर हैं, उनने एक बार बोला था कि देखो अनिल, ऐसा है, हम रेलवे के बड़े नौकर हैं, कोई रेलवे का छोटा नौकर है। जो तुम्हें इज्जत नहीं देता तो उसको इग्नोर करो, ऐसा कोई नहीं है, हर इंसान की इज्जत है। और लेकिन गरीब, उनने ये भी बोला था कि गरीब इंसान वो है जो कर्म नहीं करता, जो कर्म करता है वो गरीब नहीं है। पैसा तो अगली दूसरी साइड, अगर आप कर्म करते हो ना, कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, करिए। और जब तक आपको दूसरी मंजिल ना मिल जाए, दूसरा कुछ ना मिल जाए, तब तक प्रयास करते रहिए। इसलिए करते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहीं पर रुकना है। ट्रैकमैन से ही मेरा फ्रेंड सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बना, ट्रैकमैन से ही स्टेशन मास्टर बना, ट्रैकमैन से ही KVS का एग्ज़ाम निकाला है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। जब वो इतनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ देखते हैं ना, संघर्ष देखते हैं, तो उनका पढ़ने का मन करता है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर, साइड इनकम बताइए, मैं क्या करूँ जॉब के साथ? तो देखो, ऐसा है,
जॉब के साथ आप पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, या तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, या तो स्टेट एग्ज़ाम, या फिर जो भी आपकी ड्रीम जॉब थी, मन की जॉब थी, उसके लिए प्रयास करते रहिए। 2-3 साल में अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, नहीं तो फिर आप कुछ और भी कर सकते हो जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इस जॉब करना इसलिए ज़रूरी है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जो लोग आपको कहेंगे ना कि ये नौकरी कर रहे हो, शर्म भूल जाओ, लोगों के कहने पर मत जाओ। ठीक है, मैंने जितना भी काम किया सब जगह लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया है, टांग अड़ाई है, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हुआ। मुझे अपनी काबिलियत पर, मुझे अपने हौसले पर, मुझे अपने जुनून पर भरोसा है और मैं प्रयास करता रहूँगा। मैं इसीलिए बना हूँ, हम इंसान इसलिए बने हैं कि हम मेहनत करें, संघर्ष करें, इसलिए नहीं बने कि हर चीज़ आसानी से मिल जाए, इजीली मिल जाए। अब हम लोग उन लोगों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं जो लाखों में 1, 2, 4, 5 होते हैं कि उनने इतना अचीव कर लिया, हम इस नौकरी में, तो आप उनसे कंपेयर क्यों कर रहे हो? कर्मों के हिसाब से भगवान ने सबकी अलग अलग दुनिया बनाई है, सब अपना अपना कर रहे हैं, है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो बस इतना कहूँगा कि जॉब आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है, घबराना नहीं है, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आएँ, थोड़ी परेशानियाँ आएँ, उनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो और अच्छा अचीव करो। और जब आप 1-2 सालों के बाद, अभी एक भाई ने किया कमेंट किया कि सर मेरा लेवल 5 में भी हो गया, DV की डेट आ गई और वेटिंग क्लियर हो गई और मेरा ग्रुप डी में DV और मेडिकल भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आप मेहनत तो करिए, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरी मेहनत ने मेरा साथ हमेशा दिया है। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, मेरे मोटिवेशन को समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ, मैं भी चाहता तो साइड में, मतलब इस जॉब से पीछे हट के अपना दोबारा से चीज़ें चालू कर देता, लेकिन मैं अभी नहीं हटूंगा। जब सही समय आएगा, जब सही चीज़ें मेरे साथ होंगी, तब मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा। अभी तो मेरे लिए यही सही है। तो यही सोच कर आप लोग भी ज्वाइन करिए जो भी पोस्ट आपको मिल रही है ना, और बढ़िया इन्जॉय करिए और खुश रहकर जॉब करिए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करेगा वो खुश रहेगा और जो काम से बचेगा वो दुखी रहेगा। इस फंडे के साथ अगर आप रेलवे में आए या किसी भी जॉब में आए तो आप खुश रहेंगे। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय।